दोस्तों अभी ये कैमरा और लैंप की आवश्यकता नहीं है, इसको हाइड कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, फिर एच हाइड हो गए। इस क्यूब की आवश्यकता नहीं, इसको डिलीट कर देंगे। अब हम चलेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ये देखिए अभी पर्सपेक्टिव व्यू में है। ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने के लिए ये रहा बटन। और फिर चलेंगे फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाने के लिए कीबोर्ड पे टिल्डे जो बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे। कीबोर्ड में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 नंबर जो है उसका पहला वाला बटन जो है वो है टिल्डे बटन, उसको प्रेस करके रखेंगे। फिर चलेंगे फ्रंट पे। फिर एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए शिफ्ट ए, फिर मेस, फिर सिलेंडर। इस सिलेंडर को जेड एक्सिस में बड़ा करेंगे, तो एस जेड और फिर ये इतना बड़ा काफ़ी है। अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसका जो बेस है वो जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे, ऐसा इसको ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम एडिट मोड में। ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड है। डी सिलेक्ट करने के लिए अल्ट ए। 2.79 तक ब्लेंडर में सिलेक्शन और डी सिलेक्शन होता था ए से, लेकिन ब्लेंडर 2.80 में सिलेक्शन होता है ए से, लेकिन डी सिलेक्ट करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा अल्ट ए। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक ही एक तिहाई हिस्से में एक लूप कट लगाऊँगा। लूप कट लगाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। इसके नीचे की तरफ एक लूप कट लगाऊंगा ये, और इसको अंदर की तरफ स्केल इन करूंगा। स्केल इन करने के लिए एस, फिर माउस को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा यहाँ तक। अब मैं अल्ट ए प्रेस करूंगा, इससे डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करके रखूँगा और एक वर्टेक्स पॉइंट पे क्लिक करूँगा। इससे इस लूप में जितने वर्टेक्स पॉइंट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अंदर की तरफ स्केल इन करूँगा। अब इस लूप को सिलेक्ट करूँगा और इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। इन सारे वर्टेक्स पॉइंट को फिर से दोबारा से सिलेक्ट करूंगा। अल्ट प्रेस किया और किसी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट किया तो सारे वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब इसको थोड़ा और लंबा देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, डी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ दो लूप कट लगाएंगे कंट्रोल आर। ये एक हो गया कंट्रोल आर, ये एक हो गया। इन सारे फेसेस को हल्का सा बाहर की तरफ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें और लूप कट लगाने होंगे। इसके ऊपर एक जस्ट, इसके ऊपर और एक लूप कट, इसके नीचे की तरफ। कंट्रोल आर और ये और एक लूप कट। अब मकसद ये है कि ये जो दो लूप है, एज लूप है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अल्ट प्रेस किया, किसी एक वर्टेक्स पॉइंट को क्लिक किया। ये देखिए सारे वर्टेक्स पॉइंट इस एज लूप के सिलेक्ट हो गए। उसी तरह अल्ट प्रेस किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, फिर एक वर्टेक्स पॉइंट को क्लिक किया, तो ये सारे वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब इसको बाहर की तरफ स्केल आउट करना है। एस, फिर माउस को बाहर की तरफ मैंने ड्रैग किया, तो ये देखिए ये बाहर की तरफ आ गया है ना। इसमें दो लूप कट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक लूप कट और फिर ऊपर की तरफ एक लूप कट। ये दो लूप कट इसलिए लगाए हैं ताकि इस फेस के ऊपर हम लोग एक स्टिकर चिपका सकें। ठीक है, ओके। तो हमारा ये बेसिक मॉडल अभी रेडी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लूप कट लगाएंगे क्योंकि इसको जब स्मूथ करेंगे इसका शेप बिगड़ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ पहले दिखा देता हूँ। तो अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। ये देखिए ये रहा हमारा शेप, ठीक है, और इसमें एक मॉडिफायर ऐड करेंगे, सब डिविज़न सरफेस। इसका वैल्यू 5 पे सेट करेंगे, इसका वैल्यू 5 पे सेट करेंगे और क्वालिटी भी 5 पे सेट कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने ये सब डिविज़न सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर दिया तो इसका शेप बदल गया, नीचे की तरफ ऐसा शेप आ गया।
और ऊपर की तरफ देखिए ऐसे रिंकल जैसे कुछ आ रहा है, और जो हम लोगों ने एक्सट्रूड किया था वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले सबविजन सरफेस को डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करने के लिए ये जैसे कंप्यूटर जैसा एक आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे ये अभी डिजेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एडिट मोड में जाएंगे। यहाँ पे कुछ लूप कट्स लगाएंगे, कंट्रोल आर। तो ये चार लूप कट में लगाता हूँ, ठीक है। अब इस एज लूप को सिलेक्ट करूँगा, अल्ट, और फिर इस एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको हल्का सा बाहर की तरफ स्केल आउट करेंगे, उसी तरह इस लूप को सिलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ हल्का सा स्केल आउट करेंगे, उसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे बाहर की तरफ हल्का सा स्केल आउट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ हल्का सा स्केल आउट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ हल्का सा स्केल आउट करेंगे, ओके। अब एक लूप कट या इसके इस छोर में लगा देंगे, यहाँ पे एक लूप कट लगा देंगे, यहाँ पे एक लूप कट लगाएंगे। क्योंकि जब हम लोग सब डिविजन सरफेस अप्लाई करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि ये हर फेस को फिर से दोबारा से डिवाइड कर देता है कई सारे फेसेस में, तो इससे ये शेप बिगड़ जाता है। तो जैसे हम लोग ये एज लूप एक अप्लाई कर देते हैं तो ये अंश ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो बेसिक शेप हम लोगों ने बना के रखा है वो मेंटेन होके रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। ऊपर की तरफ एक दो लूप कट लगा देते हैं और इसके बेस में एक लूप कट, इसके सेंटर में एक लूप कट, उसी तरह इसमें हमने दो लगाया है, सेंटर में एक लगा देते हैं। यहाँ पे एक लूप कट लगाएंगे, बेस में दो लूप कट लगा देंगे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं और अभी इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ये अभी ऑन हो गया, लेकिन इसका शेप बढ़िया स्मूथ नज़र आ रहा है ना, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा लूप कट्स लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए एक स्मूथ कर्व हमें मिल रहा है, वाइन बोतल के जैसा। अब हम क्या करेंगे, एक फ्लोर सेट करेंगे, शिफ्ट ए मेस प्लेन, इसको 50 टाइम्स बड़ा कर देते हैं, नहीं तो 25 टाइम्स बड़ा कर देते हैं। इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, मैं और एक विंडो ओपन कर लेता हूँ और कैमरा और लैंप को ऑन कर देता हूँ, जो हाइड कर दिया था उसको अनहाइड कर देता हूँ। और यहाँ से कैमरा पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ये रहा बटन, इसको क्लिक करेंगे और कैमरा को एडजस्ट कर लेंगे पहले, इसको पीछे की तरफ लेते हैं। इस प्लेन को स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, प्लेन को बड़ा कर लेते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेंडर्ड मोड ऑन कर लेंगे, नाइस।
अब हम क्या करेंगे, इस लैम्प का जो लाइट है इसको सन पे सेट कर लेते हैं, इसका रेडियस 1 सेट करते हैं। ओके, अब हम बोतल पे मटेरियल सेट करेंगे। मैंने बोतल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मटेरियल बटन, फिर न्यू, यहाँ से यहाँ पे अभी प्रिंसिपल्ड BHDF पे सेट है, इसको क्लिक करेंगे और मिक्स सेडर पे चलेंगे। पहला सेडर सेट करेंगे डिफ्यूज BHDF, सेकंड सेडर सेट करेंगे ग्लॉसी BHDF, सेकंड सेडर सेट करेंगे ग्लॉसी BHDF। अब इसका जो बेस कलर है हल्का सा बैंगनी देते हैं, रफनेस को घटा देते हैं, इससे वो कांच वाला इफेक्ट मिलेगा। 0.1 रखते हैं इसको, 0.1 रफ फैक्टर को 0.6 रखते हैं, ठीक है, तो इससे वो कांच वाला इफेक्ट मिल रहा है। अब हम सेट करेंगे इसका स्टिकर, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे, इसमें मैं सेट करता हूँ मटेरियल में, इससे मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब मैं चलता हूँ एडिट मोड में और यहाँ पर मैं और एक मटेरियल ऐड करता हूँ, इस प्लस सिंबल को मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे न्यू बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ डिफ्यूज BHDF। अब मैं लिंक कर दूँगा इमेज को, यहाँ पे कलर पे जो बटन है इसको क्लिक करेंगे, इमेज टेक्सचर, फिर ओपन, फिर जहाँ पे ये टेक्सचर है उसको ओपन करेंगे, उसको लिंक कर देंगे, ये देखिए लिंक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड पे जाएंगे और अल्ट प्रेस करेंगे और फिर किसी एक फेस को क्लिक करूँगा तो ये सारे फेस सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए यूवी है, फिर यहाँ पे एक मैं और एक विंडो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ यूवी एडिटर, यूवी फिर अनरैप, ये देखिए अनरैप हो चुका है। और अब मैं इसको असाइन कर देता हूँ, ये देखिए ये असाइन तो हुआ है लेकिन सही तरीके से अप्लाई हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी फेस सिलेक्शन मोड ऑन है, एज सिलेक्शन मोड ऑन कर लेंगे। मैंने सिर्फ इस एज को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल ई, फिर मार्क सीम, ये देखिए मैंने एक सीम मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, फेस सिलेक्शन मोड में जाऊँगा, अल्ट प्रेस करूँगा और किसी एक फेस को क्लिक करूँगा तो इस लूप में सारे फेस सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं दोबारा से यूवी फिर अनरैप करूँगा, ये देखिए इस बार ये अनरैप तो हुआ लेकिन ऐसे हो गया, इसका एंगल बदलना है। आर, पहले तो सिलेक्ट करना है ए, ये सारे सिलेक्ट हो गए, फिर आर। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स सिलेक्शन से ये टॉप वाले जितने वर्टेक्स पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सिर्फ इनको मूव करेंगे, जी। उसी तरह नीचे के जो वर्टेक्स पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे बॉक्स सिलेक्शन से बी, फिर ये सारे वर्टेक्स पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर जी, फिर ठीक है। तो ये हम लोगों ने सही तरीके से ये टेक्स्ट ये स्टिकर को अप्लाई किया है, ये देखिए। इस विंडो को हाइड कर लेते हैं, बोतल के इस ऊपर वाले हिस्से में एक रेड जैसा स्टिकर लगा हुआ होता है तो वो सेट करेंगे। वो सेट करने के लिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड है उसको डीसिलेक्ट करेंगे, डीसिलेक्ट करने के लिए अल्ट ए,
ये देखिए डिसलेक्ट हो गया। अब हम एक लूप कट लगाएंगे इधर, फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, ये देखिए फेस सिलेक्शन मोड ऑन है। अल्ट प्रेस करूंगा और किसी एक फेस को क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो गया। उसी तरह अल्ट फिर शिफ्ट किसी एक फेस को क्लिक करूंगा, ये देखिए अब अल्ट शिफ्ट ये और ये, अल्ट शिफ्ट ये और फिर अल्ट शिफ्ट ये। यहाँ पे मैं और एक मटेरियल ऐड करूँगा, न्यू मिक्स शेडर, पहला वाला होगा डिफ्यूज BHDF, इसका कलर सेट करेंगे रेड पे, सेकेंड वाला शेडर होगा ग्लॉसी BHDF, इसका रफनेस हल्का घटा देते हैं, इसका रखते हैं 0.2, इसका फैक्टर रखते हैं 0.7, ठीक है। और फिर अब असाइन कर देंगे, ये देखिए इसका टॉप वाला हिस्सा बढ़िया अप्लाई हुआ है, ठीक है। कैमरे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको, कैमरा को एडजस्ट कर लेंगे। ये जो वाइन बोतल का मॉडल है वो तैयार है। अब हम कैमरा सिलेक्ट करेंगे, ये रहा कैमरा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये जो मटेरियल वन है ये कलर मुझे जम नहीं रहा, ओके। तो अभी हम रेंडर करने के लिए तैयार हैं, इस विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा रेंडर रिजल्ट, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट करो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।